इस योजना में अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की एक ऐसी योजना जिसके तहत आपको 3 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई लोन स्कीम के तहत लोन के लिए कैसे आवेदन करना है इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों वैसे तो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके तहत लोन दिया जाता है, लेकिन आज हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं ये एक नई और फ्रेश लोन स्कीम है जिसके तहत आपको जल्दी ही लोन मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक ज्यादा लोगों को इस स्कीम के बारे में मालूम नहीं है। अगर हम दूसरी योजनाओं की तुलना करें तो इस योजना के तहत अभी तक बहुत कम लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है और उन लोगों को लोन मिल चुका है। लेकिन अगर आपने पहले से ही इस योजना में लोन के लिए आवेदन किया है और आपको लोन नहीं मिला है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि आपको लोन नहीं मिला है तो आपने कौन कौन सी गलतियां की है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस लोन की खासियत क्या है, तो आपको इस लोन पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, साथ ही सरकार लोन पर सूट भी देगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाकर जन समर्थ सर्च करके इस जन समर्थ नाम के पोर्टल पर क्लिक करना है। यानी कि दोस्तों आप किसी भी सरकारी योजना के तहत लोन लेते हैं तो उसमें दोस्तों सबसे पहले आपको जन समर्थ पोर्टल पर जाना होगा और वहां से दोस्तों आपको अपनी जो पात्रता है उसकी जांच करनी होगी, यानी कि आप लोन के लिए पात्र हैं या नहीं है इसके बारे में आपको सबसे पहले पात्रता की जांच करनी होगी और उसके बाद दोस्तों आप किसी भी योजना के तहत लोन ले सकते हैं। दोस्तों जैसे ही हम जन समर्थ पोर्टल को ओपन करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको कुछ चेतावनी दी गई है, यानी कि दोस्तों इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहां पर जन समर्थ पोर्टल अपने अकाउंट से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और janasamartha.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले आवेदन के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। यानी कि दोस्तों आप सरकार की इस योजना के तहत जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें दोस्तों कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है, यानी कि दोस्तों कोई भी ऐसे कॉल, एसएमएस या फिर दोस्तों जो समय से पहले भुगतान की मांग करने वाली जो घोटालेबाज फर्जी वेबसाइट है जो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगती है तो ऐसी वेबसाइटों से आप चार्ज पे नहीं करें। यानी कि दोस्तों जो जन समर्थ पोर्टल है वो बिल्कुल ही फ्री में आपको लोन देता है, यानी कि दोस्तों वहां से आप आसानी से पात्रता की जांच कर सकते हैं और यहां से दोस्तों इस पेज को स्किप कर देना है और यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सरकार की टोटल 15 योजनाएं जिसमें दोस्तों यहां पर 7 ऋण श्रेणियां और दूसरी प्लस ऋणदाता, यानी कि दोस्तों सरकारी योजनाओं को जोड़ने वाला वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल अपनी पात्रता निर्धारित करें और ऑनलाइन आवेदन करें और दूसरी प्लस प्लेटफॉर्म डिजिटल आवेदन प्राप्त करें, यानी कि दोस्तों यहां से आप आसानी से अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। दोस्तों यह पोर्टल एक राष्ट्रीय पोर्टल है, यानी कि दोस्तों क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए यह एक पोर्टल है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे स्किप करना है, यानी कि दोस्तों स्क्रॉल करना है और सबसे पहले जो आपको ऋण श्रेणी नजर आएगी वो ई किसान उपज निधि, यानी कि दोस्तों अगर आप किसान हैं और आप लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें आपको एक योजना के तहत, यानी कि दोस्तों इस ऋण श्रेणी में एक योजना उपलब्ध है और इसके बाद दोस्तों कृषि ऋण, यानी कि दोस्तों आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो दोस्तों यहां पर आपको 2 योजनाएं उपलब्ध मिलती है, यानी कि दोस्तों आप सरकार की ऐसी 2 योजनाएं जिसके तहत आप लोन ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले आप किसान क्रेडिट कार्ड जरूर बनवा लें। इसके बाद दोस्तों आता है कृषि आधारित संरचना ऋण, यानी कि दोस्तों कृषि आधारित संरचना ऋण ऋण श्रेणी के तहत 3 योजनाएं उपलब्ध हैं। इसमें दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि व्यवसाय गतिविधि ऋण, यानी कि दोस्तों आप कोई भी नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या दोस्तों आपका जो मौजूदा व्यवसाय है उसका विस्तार के लिए, यानी कि दोस्तों बढ़ाने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको सरकार
सरकार की टोटल से योजनाएं मिलती हैं जिनके तहत आप किसी भी योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है यहाँ पर ऋण, यानी कि दोस्तों शिक्षा ऋण आता है। इसमें दोस्तों आप अगर पढ़ाई करते हैं, चाहे आप भारत में करते हो या फिर विदेश में करते हैं, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर अपनी शिक्षा के लिए खर्चे के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों आपको एक योजना मिलती है जिसके तहत आप लोन ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहां पर ये जो मैंने ऋण श्रेणियां बताई है इनमें से किसी भी ऋण श्रेणी के तहत आप लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको जो ये सात ऋण श्रेणियां हैं इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार के कोई भी अगर आप लोन लेते हैं तो दोस्तों पात्रता जांच करने की जो प्रक्रिया है वो सेम टू सेम रहने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यवसाय गतिविधि ऋण, यानी कि दोस्तों बिजनेस लोन कैसे लें। यानी कि दोस्तों आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं और उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता है और आप लोन लेना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आपका छोटा बिजनेस है और जिनको आप बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों यहां पर आप किस प्रकार से लोन ले सकते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी आपको यहां पर लोन मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पात्रता की जांच करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहां पर दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछा गया है एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी कि दोस्तों यहां पर आपको टोटल 4 विकल्प मिलते हैं, इनमें से एक विकल्प को आपको चुनना है। सबसे पहले हथकरघा बुनकर के लिए ऋण, यानी कि दोस्तों आपका कोई भी बिजनेस है जिससे आप हथकरघा यानी कि दोस्तों अपने हाथ से कोई भी चीजें बनाते हैं, अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप मैनुअल सफाई कर्मी है तो दोस्तों आपके लिए सेकेंड वाला ऑप्शन चुनना है, और अगर आप सड़क विक्रेता जैसे फेरी वाले हैं तो दोस्तों आपको यहां पर तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपसे इन तीनों में से अलग बिजनेस है तो अन्य व्यावसायिक ऋण पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं यहां पर अन्य व्यावसायिक ऋण पर क्लिक कर देता हूं और इसके बाद दोस्तों आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। यानी कि दोस्तों आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो नया बिजनेस कर रहे हैं या दोस्तों मौजूदा बिजनेस के विस्तार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों मैं यहां पर जो लोन ले रहा हूं वो नए बिजनेस के लिए ले रहा हूं। इसके बाद दोस्तों क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है, यानी कि दोस्तों आप 8वीं पास हैं तो यहां पर क्लिक कीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आप नई पर भी क्लिक कर दीजिएगा। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, यानी कि दोस्तों आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो वहां पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, यानी कि दोस्तों आपका जो व्यवसाय है उसकी प्रकृति का चयन करना है। यानी कि दोस्तों आप कोई भी काम कर रहे हैं, जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो उत्पादन का है या सेवा का है या काम का, तो दोस्तों मैं यहां पर सेवा पर क्लिक कर देता हूं। और इसके बाद दोस्तों अपना लिंग चुनना है, यानी कि दोस्तों आप पुरुष है, महिला है या फिर अन्य, अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी कि दोस्तों आपकी जो सामाजिक श्रेणी है वो चुन लेनी है। इसके बाद दोस्तों क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है, यानी कि दोस्तों अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहां पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप विकलांग है तो भी यहां पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप भूतपूर्व सैनिक भी नहीं है और शारीरिक रूप से विकलांग भी नहीं है तो दोस्तों आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों क्या आप पूर्व क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों या जनजाति क्षेत्रों में स्थित है तो यहां पर क्लिक कीजिए, अन्यथा दोस्तों आप नहीं पर क्लिक कीजिएगा। यानी कि आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको अपना स्थान चुनना है, यानी कि दोस्तों आप ग्रामीण इलाके से हैं या दोस्तों आप शहरी इलाके से हैं। इसके बाद दोस्तों आपको लाभार्थी के प्रकार का चयन करना है, यानी कि दोस्तों आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं या गैर व्यक्तिगत, जैसे कि दोस्तों आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो पार्टनरशिप में, यानी कि दोस्तों यहां पर आपको जो आप इस बिजनेस में जितनी लागत की राशि है यानी कि दोस्तों कितने रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रुपए यहां पर आपको एंटर कर देने हैं। और इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर 5,00,000 रुपए एंटर कर दिए, यानी कि दोस्तों मुझे यहां पर 5,00,000 रुपए चाहिए, यानी कि दोस्तों मैं जो बिजनेस शुरू करूंगा उसमें 5,00,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। और इसके बाद दोस्तों कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों आप बिना लोन लिए
कितने रुपए निवेश कर सकते हैं वो राशि आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 1,00,000 रुपए एंटर कर दिए, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर लोन नहीं लेता हूँ तो भी यहाँ पर 1,00,000 रुपए आसानी से निवेश कर सकता हूँ। इसके बाद दोस्तों पात्रता की गणना करें इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पर बताया गया है बधाइयों आपके लिए पात्र है दो व्यवसाय गतिविधि, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको दो योजनाओं के तहत लोन मिल रहा है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले है PMEGP योजना, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री सज्जन कार्यक्रम योजना। इस योजना के तहत आपको यहाँ पर 4,00,000 रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर उचित उपादान राशि यानी कि दोस्तों यहाँ पर 75,000 रुपए की आपको छूट मिल रही है और जो ऋण अवधि है वो 15 साल के लिए आपको ये जो लोन है वो 15 साल के लिए दिया जा रहा है और मासिक जो EMI है वो 9% यानी कि दोस्तों 4,060 रुपए। इसके बाद दोस्तों अगली योजना के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों योजना का नाम है PMMY यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इस योजना के तहत जो आपको 4,00,000 रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको कोई छूट नहीं मिल रही, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको सब्सिडी सरकार के द्वारा नहीं मिल रही है। इसमें दोस्तों मासिक जो EMI है वो 10% है 8,500 रुपए और ये जो लोन है वो 5 साल के लिए आपको दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये लोन है जो इससे अधिक इससे सही लोन है जो PMEGP का लोन है और हम दोस्तों यहाँ पर PMEGP योजना के तहत लोन ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो PMMY यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इस योजना के तहत आपको 3 प्रकार के अलग अलग लोन दिए जाते हैं, यानी कि दोस्तों 3 भागों में लोन को बांटा गया है, जिसमें दोस्तों अधिकतम आप 10,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं और ऋण को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो लोन है उनको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है शिशु लोन, यानी कि दोस्तों इसमें आपको 50,000 रुपए मिल रहे हैं और दूसरा है किशोर लोन, यानी कि दोस्तों 50,000 रुपए से लेकर 5,00,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है और तीसरा है तरुण लोन, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको 5 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक का ये लोन आपको मिल रहा है। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि इस लोन के लिए आवेदन किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एंटर करने हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करने हैं जो अकाउंट से लिंक है, जो आधार कार्ड से लिंक है, वही नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। इसके बाद दोस्तों इस कैप्चा को यहाँ पर भरकर इस एरो के निशान पर क्लिक कर देना है और उसके बाद OTP प्राप्त करें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप OTP प्राप्त करें इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 6 अंकों का OTP आएगा, OTP दर्ज करके वेरीफाई कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपके सामने नया पेज ओपन होगा, उसमें आपको ईमेल एड्रेस डालकर ईमेल के लिए OTP आपको वेरीफाई कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अकाउंट नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, यानी कि दोस्तों आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो भरकर सबमिट कर लेना है और सबमिट करने के तुरंत 10 मिनट के बाद आपको ये लोन मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।